एकदम लूज लूज ढीला छोड़ी छोड़िए, नीचे रखिए। वाह लीजिए, छोड़ दीजिए, वेरी नाइस, लूज, बस बस नंबर लग रहा सर। एक नंबर लग रहा है। फ्री हूँ हाँ, अभी तो बिल्कुल फ्री हूँ। अभी बिल्कुल फ्री हाँ। है, क्या क्या तकलीफ लेके आप यहाँ आई थी? मेरी पूरा यहाँ से नीचे का धड़ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, नीचे पूरे दोनों पेट सुन हो रहे थे हाँ। दर्द इतना था कि मैं बेड भी नहीं पा रही थी, उठ भी नहीं पा रही थी, सो भी नहीं पा रही थी। कितने समय से आपको दर्द था? ये मेरे को 15 साल हो गए, पर थोड़ा थोड़ा था इतने दिन से, धीरे धीरे बढ़ते 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 ये स्थिति हो गई थी मेरी। आपकी जो MRI थी उसमें L3 L4 पे जो डायमीटर है वो 4 mm बचा है सिर्फ। अच्छा। और L4 L5 पे 8 mm बचा था। अच्छा अच्छा हाँ। जब आप हमारे पास आई थी इसलिए आपको इतना भयानक दर्द हो रहा था, इसलिए हुआ था हाँ। तो यहाँ जो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो स्पाइन है अपनी हाँ। तो यहाँ था कंप्रेशन L3 पे और L4 पे। अच्छा। तो ये डिस्क जो रहती है ये डिस्क ऐसे पीछे खसक जाती है, तो यहाँ का जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर था ये डिस्क खिसक के इतनी पीछे आ गई थी कि सिर्फ यहाँ 4 mm डायमीटर बचा हुआ था, 4 mm स्पेस, मतलब इतनी, मतलब 4 बाल बराबर स्पेस समझ लीजिए। अच्छा अच्छा है ना। तो ये इतनी स्पेस बची थी, मतलब इतना ज्यादा कंप्रेशन इधर आ रहा था, मतलब 4 mm डायमीटर अगर बचता है तो मतलब सर्जन यही रिकमेंड करेंगे कि आप सर्जरी करा लीजिए। बिल्कुल बोला ही था सर मैंने हाँ, 2-4 डॉक्टर से सलाह ली MRI दिखा के हाँ, हाँ, हाँ। ऑपरेशन ही बताया था हाँ। इसका तो वो यही इसीलिए बताएंगे क्योंकि इतना कम स्पेस अगर बचा होता है हाँ। तो सर्जन साहब को यही रिकमेंड करेंगे कि आप सर्जरी करा लीजिए, क्योंकि ये स्पेस बहुत कम हो गया, 4 mm मतलब बहुत कम स्पेस है। अच्छा। और उसमें यूं सोच लीजिए कि आप यहाँ आकर के ठीक हो गए हाँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी तो ठीक हो गई सर मैं बिल्कुल हाँ। तो वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से व्यक्ति का 4 mm स्पेस जिसका बचा है वो ठीक हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। और कितने दिन में ठीक हो गई आप? मेरी 16 थेरेपी हुई है यहाँ पे, 16 डेज हाँ। 16 दिन दोनों में टाइमली मैंने, अच्छा 8 दिन लगे। आप बाहर से आके यहीं रुके थे? यहीं रुके थे सर। अच्छा। जल्दी आराम रिलैक्स से चाहिए था तो मैंने दोनों टाइम करवाई, दोनों टाइम करे। जब आप आए थे तो आपकी कमर भी ऐसे तिरछी हो रही थी, बिल्कुल तिरछी, मतलब वो ऐसे कमर तिरछी हो रही थी हाँ। वो तिरछी भी इसीलिए हो रही थी क्योंकि एक साइड में कंप्रेशन ज्यादा था हाँ। और जहाँ ज्यादा कंप्रेशन होता है तो कमर ऐसे तिरछी हो जाती है, हो गई थी ना सर, तो वो कमर आपकी इसीलिए तिरछी हो रही थी। और अभी आप बिल्कुल सीधे खड़े हो, अभी सीधे है ना हाँ। अब आपको चलने फिरने उठने बैठने में कोई तकलीफ अभी है? अभी तो नहीं है सर, ज्यादा अभी 2-3 घंटे में बैठती हूँ तो हल्का सा कमर में अभी दर्द। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, जो हमने ये 16 सिटिंग में हाँ। आपको जो एक्सरसाइज सिखाई है ना हाँ। वो आप करते रहिएगा, वो दोनों कंटिन्यू दोनों टाइम, वो एक्सरसाइज आपके लिए रामबाण औषधि है बिल्कुल। क्योंकि देखिए एक्सरसाइज का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, जैसे जो प्रॉब्लम था वो हमने सही किया बिल्कुल सर, तो आपका दर्द खत्म हो गया। लेकिन हमेशा के लिए आप पेन फ्री कब रहेंगे? जब आप प्रिकॉशन फॉलो करेंगे। कैसे प्रिकॉशन? एक तो नीचे नहीं बैठना बिल्कुल, आलती पालती नहीं मारना और इंडियन टॉयलेट में नहीं जाना, मतलब आपको कोई सामान अगर उठाना भी है हाँ। तो ऐसे झुक के कोई सामान नहीं उठाना है। अच्छा। मतलब आप दोनों घुटनों को थोड़ा दूर दूर करिए हाँ। 45 डिग्री एंगल पे अपने टोस, मतलब ये फुट ऐसे 45 डिग्री रख रहे हैं, ऐसे भी नहीं करना, ऐसे 45 डिग्री रखिए और 45 डिग्री रख के आप ऐसे नीचे जाइए, सामान उठाइए और सीधे खड़े हो जाइए। मतलब एक चम्मच से लेके 50 किलो की बोरी क्यों नहीं उठानी पड़े, भले आपको जितना सामर्थ है उतना आपको सामान अगर उठा रहे हैं तो कमर सीधी रख के ऐसे उठाना है, इधर से उठा के इधर रखना है तो ऐसे लिफ्ट किया। अच्छा। पूरा घूमे और ऐसे रख दिया। अच्छा। कई लोग क्या गलती करते हैं, यूं झुक के उठाते हैं और यूं उठा के और ऐसे रख देते हैं, इससे स्पाइन में ट्विस्ट आता और एक लेटरल फोर्स ऐसे जनरेट होता और ये डिस्क ऐसे तिरछी निकल जाती है, निकल तो लेटरल फोरामेन को क्लोज कर देती है। तो ऐसा नहीं करना है जी सर, ये गलत प्रैक्टिस है।
तो वेट उठाओ लेकिन सही तरीके से उठाओ। अगर अपने को दो मिनट कुछ काम करना है तो ऐसे बैठ के कर सकते हैं, कैसे बैठ? हाँ, आप स्क्वाट करके कुछ भी उठा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या फिर नीचे ऐसे बैठ के डेलू वगैरह कुछ लेके नीचे और ऐसे बैठ। हाँ, मतलब आप इतना एक मुड्डा ले लीजिए, कोई पटिया ले लीजिए थोड़ी सी हाइट का, और उस पर बैठ जाइए, उसमें स्पाइन में प्रेशर कम आता है जी। तो नीचे धरती पे बिल्कुल कभी भी नहीं बैठना है क्या सर? के अभी दिक्कत है? देखिए, अभी एटलीस्ट थोड़े साल 5-6 महीने एटलीस्ट फॉलो करिए, उसके बाद जैसे कभी इमरजेंसी में बैठना पड़े तो बैठ जाइए, बैठ सकते, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस ये वजन उठाने का तो हमेशा ही ध्यान रखना है जिंदगी भर, बिल्कुल। बाकी आपको जैसे कभी इमरजेंसी में ऐसा है कि आज बैठना ही पड़ेगा तो बैठ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरी बेटी की 14 फरवरी को शादी है। अच्छा, तो वो क्या है कि वो जब चौरी लगा होते हैं ना, मैं समझ गया, काम पड़ता है। ओके ओके, बैठ सकती है, सिर्फ आप वो पटिया बढ़िया लगा करके आप बैठ जाइए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, है ना। और जब भी ऐसा लगे कि थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आ रहा है तो तुरंत आके तुरंत बिल्कुल आऊंगी सर, ठीक है ना। मतलब उसको पेन को बढ़ाना नहीं है, और जो प्रिकॉशन हमने बोले हैं या फॉलो करेंगी और एक्सरसाइज जो हमने बताई है वो रोज करेंगी, अगर अगर 15 मिनट भी वो एक्सरसाइज आपने रोज कर ली तो आपको दोबारा यहाँ कभी नहीं आना पड़ेगा। यही साथ है सर, ठीक है ना। ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमेशा खुश रहे सर, सभी की ऐसे ही सेवा करते रहे आप, बस यही है, सभी की सभी ठीक होके जाए आपके यहाँ। हम भी यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आपका पूरा स्टाफ भी इतना अच्छा है कि मतलब दिलासा देते हैं, ठीक करते हैं पेशेंट को, बहुत अच्छे से करते हैं सर सेवा। तो अब देखिए, आप पहले दिन जब आप आई थी डॉक्टर से, मेरे को बहुत मतलब मैं घर पे हो सकता था नहीं, घर पे मैं डॉक्टर से मेरे को वो होती है बिल्कुल के डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। यहाँ क्या कैसा लगा? थेरेपी का सुना नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यही जाऊंगी और यही आराम होगा तो ठीक है। सही है, बिना मेरी एक MR यहाँ एक्सरा कुछ नहीं है, मेरे को इतनी दिक्कत थी, फिर भी मैंने आपने यहाँ बोला तो करवाई है। वो MRI भी हमने इसलिए कराई आपकी, क्योंकि पूरी कमर ऐसी तिरछी हो रही थी आपको, तो आपको तो कितना MM डिस्क बाहर है सही है वो हमें पता चलेगा। तो आपकी जब MRI हमने कराई ना, तो L3 L4 पे 4 mm डायमीटर, L4 L5 पे 8 mm डायमीटर, L2 L3 पे भी 8 mm डायमीटर, पूरी लंबा डिस्क, मतलब L1 से लेके L4 5 तक सारी डिस्क ही पीछे। सर मेरे को दिक्कत ही ना हो, इतनी दिक्कत सारी डिस्क, और L3 L4 पे तो मतलब 4 mm डायमीटर, सोचिए हम क्या करते। तो हमको सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए आपका ट्रीटमेंट करना पड़ा, आपने बहुत जल्दी ठीक कर दिया। देखिए, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि मतलब जो भी यहाँ आए, सोचा था कि मैं अब ठीक ही नहीं होगी, मेरी कमर ऐसी रहेगी ऐसी रही, लोग बहुत सारे ऐसा ही सोच के आते हैं। थी सर वो, कल भी एक लेडी थी, वो 15 साल से प्रॉब्लम उनको भी थी, और वो बोल रही थी सर मैंने तो सोच लिया था कि शायद इस दर्द के साथ ही जीना यही है, मैंने भी सोचा, लेकिन मैं यहाँ के 11 दिन में ही ठीक हो गई हूँ। मेरे परिवार भी बहुत खुश है, आपको बहुत धन्यवाद। नहीं, देखिए हम ईश्वर से रोज महाकाल से यही प्रार्थना करते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ आए वो ठीक होके जाए, बिना इंजेक्शन बिना ऑपरेशन के बिना दवाई के आप ठीक हो जाए, और आपको भगवान खूब और आगे बढ़ाए। धन्यवाद, ऐसे सेवा बहुत कम पैसे में, बहुत जांच, बड़े हॉस्पिटल में क्या कितनी जांच, ये करवा वो करवा वो करवा। हम जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही करते हैं, मतलब पेशेंट को आराम हुआ। MRI भी हम जब कराते हैं जब हमको कहीं चीज डाउटफुल लगती है, नहीं तो कई पेशेंट तो हम बिना MRI के सुधार के घर भेज देते हैं। नहीं, वो क्या है कि हाँ तो गोली खाते जब तक ठीक, बाद में फिर यही दिक्कत है ना। आप तो दिलासा तो दे रहे हो कि एक्सरसाइज करो करो, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी। हमारे मतलब 10 साल से हम लोग यहाँ प्रैक्टिस में हैं, मतलब सोचिए जिन पेशेंट्स को हमने 10 पेशेंट है वो उनको मतलब रिलैक्स हुआ है। अच्छा, आपके यहाँ के कहाँ से हैं आप? मैं बेरछा से हूँ, तो आपके पेशेंट है हमारे पाटीदार समाज के, 10-12 पेशेंट है आपके यहाँ। अच्छा, सारे ठीक है, बढ़िया है सर। यहाँ आपको किसने भेजा था? वही मेरे उनसे ही, एक तो मेरे जमाई जी है, उनके घर में 3 पेशेंट है, उन्होंने करवाया है, वो यहीं पे रहते हैं, श्याम पाटीदार। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने वही लेके आए थे। अच्छा, नहीं अच्छा है, देखिए यहाँ चले, यही हमारे पेशेंट का ट्रस्ट ही हमारे लिए सब कुछ है, और लोगों का यही विश्वास हम पे बना रहे, और महाकाल की ऐसी कृपा रहे कि जो यहाँ आए बस अच्छा होके जाए, बना के रखेगा, बस हम यही चाहते हैं। देखिए, सेवा ही हमारा उद्देश्य है। आप सही बात है सर, आपका तो रहता है, और जो यहाँ आता है उसको फील होता है, मतलब देखिए 100 में से 98 पेशेंट ठीक होके जाते इधर, 100 के 100 नहीं जाते, कारण है उसका, 100 के 100 होने लगे ना तो हम भगवान हो जाएंगे। सही बात है, 100 में से, लेकिन वो जो 2% भी लोग है ना जो हमसे ठीक नहीं हो रहे ना, कम से कम वो भी यहाँ से ये मेमोरी लेके जाने चाहिए कि यार इन्होंने अपनी पूरी मेहनत करी है। सही बात है, समझ रहे हैं आप? समझ, लेकिन अगर हमारा 98% का भी एक्यूरेसी रेट है ना, तो हमारे लिए सफिशियंट है, किसी भी डॉक्टर के लिए सफिशियंट है। अगर उसके 90% से ज्यादा अगर उनका एक्यूरेसी रेट है, तो मतलब हमारी प्रैक्टिस सक्सेसफुल है। सही बात है सर।
तो वो हमारे लिए, हम यही कोशिश करते हैं कि हर एक व्यक्ति बस यहाँ से अच्छा होकर जाए, वही सर। हमारी कोशिश में हम कभी कमी नहीं छोड़ते, नहीं नहीं वो 100% हमारी कोशिश रहती है कि व्यक्ति यहाँ से ठीक होकर जाए, इसीलिए मतलब 98% का हमने अभी तक देखा है कि एक्यूरेसी रेट है। सही बात, तो वो अच्छा नहीं है ना, आपका रिजल्ट ठीक है, मेरे जैसे को ठीक कर दिया तो फिर क्या छोटे मोटे को था। नहीं, बहुत सारे लोग बहुत कष्ट में बहुत आते हैं सब, और हम ईश्वर से रोज यही प्रार्थना करते कि बस ईश्वर जिसको हाथ लगा दे वो ठीक हो जाए। ये हमारी तो खैर उम्र है अभी 50 साल की, बाकी हमसे कम उम्र वाले भी कितने आ रहे हैं सर, सबको बहुत दिक्कत है, पर आप देख रही हैं सब अच्छे होके जा रहे हैं। पर वो दिक्कत आपके इससे हो रही तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बेचारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, पर यहाँ उनको रिलैक्स मिलता है, पैसे का भी ज्यादा टेंशन नहीं है, ना आदमी ठीक होकर जाता है। बस यही भरोसा, यही विश्वास मेरा तो ये है कि आपने एक पेन की मतलब गोली भी नहीं देते हो, आपने तो क्या डॉक्टर के पास जाओ सीधे इंजेक्शन लगा देते, पेन कम हो गया, आराम हो गया, ठीक हो गया। हमारी पहली कोशिश यही रहती है कि बिना एक गोली खिलाए भी वही तो आराम है सर, वही आराम है, मतलब ना कोई इन्वेस्टिगेशन हम ज्यादा कराते हैं ना कुछ, जो आपके पास अवेलेबल है उसमें ही हम या तो काम चला लेते हैं, या जब हमको डाउटफुल लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है हमको देखना चाहिए, जब जाके हम इन्वेस्टिगेशन भी तब लिखते हैं। इतना तो आपको करवाना पड़ता है, इतना मतलब हम मिनिमम में व्यक्ति को ठीक करके भेजने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कम से कम खर्च में व्यक्ति ठीक होके चला जाए। ठीक है सर, हाँ चलिए, अच्छा है, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद सर, और ईश्वर आपको सदा स्वस्थ रखे, आपको भी रखे सर। चलिए, जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्ण।